ओम सही नाम राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी ट्रिक जिससे आप ढोलक अपने इजी बजा सकते हो। कम काउंटिंग है, कोई झंझट नहीं है। अगर फिर भी कोई टेंशन है तो आप कमेंट में बताइए। आप लोगों ने ये बोला है कि मैम सिंपल ट्रिक वाली जो मेरी अभी वीडियो ज़्यादा सजेशन में आ रही है उसी की आप लोगों ने फिर से डिमांड की है, और उसमें क्या आपको कमी लग रही है। वैसे मैंने क्लियरली बताया है, फिर भी आप लोगों ने बोला था कि मैम इसको एक बार फिर से बताइए कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। यस 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 हाँ, इस शायद सिंपल ट्रिक वाली नहीं, मैंने उसमें आपके कंप्लीट ढोलक बताई थी, उसी में ही आप लोग थोड़े कन्फ्यूज हो गए थे। तो चलिए आज मैं यही बता दूँ कि स्टेप कैसे बजाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप की ही पूरी एक ढोलक बता दे रही हूँ, फिर एक एक स्टेप करके सभी के पार्ट्स आपको डाल दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, क्योंकि न्यू व्यूअर्स है, ये बताना मेरा काम है। अब मैं ये सोचूंगी कि मैं और वीडियोस में बता चुकी हूँ तो ऐसे उनको ढूंढने में मुश्किल हो जाती है, तो ये बताना ज़रूरी है कि कौन सा पार्ट क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, बड़ा पोर्शन जो होता है ढोलक का, बड़ा वाला बेस, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है, जिस पर हम थापी मारते हैं। अब थापी के लिए क्या है, किसी का सीधा हाथ चलता है, किसी का उल्टा हाथ चलता है। मेरा तो सीधा हाथ चलता है बेस पे, तो मेरा बेस यहाँ रखा हुआ है, इसी साइड रहेगा। और यह है चाटी वाला, चाटी वाले पे जिस पे उंगलियाँ चलाते हैं, तो मेरा उल्टा चलता है, तो मेरा यही पोर्शन रहेगा। अब सपोज़ दैट किसी का बेस पे उल्टा हाथ चलता है, तो ढोलक को हम यूँ कर लेंगे, यानी ये मेरा उल्टा है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया चाटी। छाटी पे मेरा सीधा चल रहा है तो मैं इस तरफ करूँगी। अब आपको क्लियर हो गया किसका किस तरफ करना है, उसी तरफ ढोलक घुमा लेनी है। अब मेरा तो सीधा हाथ चलता है बेस पे, तो मुझे तो ढोलक ऐसी ही घुमाने पड़ेगी, ठीक है। तो ये सीधी तरफ मेरा बेस आ गया और ये उल्टी तरफ मेरी उंगलियाँ आ गईं। क्लियर हो गया इतना। बड़े वाले बेस को क्या बोलते हैं, बड़े वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। और थापी भी बोलते हैं, और ये छोटा वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, चाटी। क्लियर। अब देखो कैसे बताते हैं, यहाँ देखो। तो बेस पे आपको क्या करना है, थ्री वाली काउंटिंग मैं बताऊँगी, थ्री वाला बेस ही बताऊँगी। गर्मी बहुत है, पंखा बंद करना पड़ा, ठीक है। तो क्या करना है, 1 2 3। तो आपको कितना पोर्शन बजाना, इतना ऊपर का। अगर आप इतना बजाओगे तो ये आवाज़ देखोगे कैसी फटी फटी आ रही आ रही है, इतना रखना, जिससे कि ये काला वाला जो होता है अभी मेरे में कम हो गया ना इसलिए, और ये आई ऐसी थी ना तो काला वाला था नहीं, इसके मत करना है, तो आप लोग यहीं से पिछड़ जाते हो, समझ में नहीं आता आपको, ठीक है। तो काला वाला होता है उस पर आधी तो उंगलियां आ ही जाएँ, तो देखो अपने आप ही इतना हाथ पड़ जाता, देखो हाथ इतना आ गया। क्या करोगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ऐसे आ जाइए उंगली वाले, उंगली वाले पे हमेशा इतना पोरा लगता है, जो फर्स्ट जो नहीं है, जो जिसमें हम लोग मेहंदी लगाते हैं ऐसे ऐसे करके कलर करते हैं, उतना ही आपको पोरा बजाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 काउंटिंग बजानी है, 3 ये भी रखना है और ये भी 3 रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि बिल्कुल सिंपल है, बेफिक्र रहिए, टेंशन नहीं है इस वाली ढोलक में, क्योंकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको इतनी ईजी मिलेगी कि हर कोई मिनटों में यूँ ढोलक सीख सकता है, बस स्किप ना करें। स्किप कर लेते तो आप भूल ही जाओगे। और भी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, चैनल पे जाइए और चेक करिए, ठीक है। तो क्या करना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कहीं से भी शुरू करिए, यहाँ से शुरू करोगे तो 3 यहाँ पे आएगा, देखना 1 2 3, ये 3 यहाँ पे आ गया। अब 3 के आधा में 1 करना, तो यहाँ से नहीं करेंगे, दूसरी उंगली से कर देंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 बजा, फिर 1 2 3, अब ये यहाँ पे बज गया 3। अब जहाँ पे रोका है वहाँ से मैं नहीं उठाना है, दूसरी जगह से उठाना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाथ को एकदम अच्छे चलाया करो, ऐसे चलाओगे तो बच्चों ऐसे लगेंगे हाथ, कहता हूँ इतनी लड़कियाँ ऐसे बजाती हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब स्पीड बजाने लगो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3।
इस पे देखो, एक दो तीन, 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 एक दो तीन। अब इसका साथ 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 नहीं बजाना, एक दो तीन, ये साथ साथ नहीं बजानी है, ये रुक जाया करेगा बीच में, हमेशा पॉज लेगा इसे, एक दो तीन, एक दो तीन, ये पॉज लेके बजेगा, इसको पॉज की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इतना एनर्जेटिक है कि चलता रहेगा। देखो एक दो तीन, एक दो तीन, अब मैं ये इसकी काउंटिंग नहीं करूँगी, इसको देखना, ये पॉज देगा तो मैं इसके लिए बोलूँगी, एक दो तीन, 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 एक दो तीन। भाई तो इसने तो एनर्जल पी रखा है, तो इसको तो हम कंटिन्यू चलाएंगे, ये थोड़ा स्लो है, थोड़ा थका हुआ है, तो इसको तो हम पॉज दिलाएंगे। क्लियर हो गया? अब देखो धुन, देखो, दो तीन, एक 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 दो तीन। सोलह सिंगार लाई मैया सजने को, सोलह सिंगार लाई मैया सजने के, हाथ में चूड़ी लाई, हाथ में कंगन लाई, हाथ में चूड़ी लाई, हाथ में कंगन लाई, मैया ने हंस कर पहना मंदिर के अंदर जाके, मैया ने हंस कर पहना मंदिर के अंदर जाके, सोला सिंगार लाई मैया सजने को। आई होप आप लोग को ये भी ट्रिक पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सकता है कि शेयर भी कर दीजिएगा, और नए व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और डांस की वीडियो को भी वॉच करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ, कमेंट में बताते जाइएगा, और मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।